दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप लोग मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। तो आज इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज जो है केकेआर का मैच पॉइंट या स्ट्रेटेजी, जो केकेआर के हर एक मैच के पहले अपलोड हो जाएगा। अब तक केकेआर ने 5 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 2 मैचेस उन्होंने हारे हैं। 2 मैचेस जो उन्होंने हारे हैं वो था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो अब तक हम जो देख पाए हैं कि हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन परमानेंट बन चुका है, जिसमें क्रिस लिन और नारिन ओपन करते हैं। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एक नया ट्राई किया गया था उत्तप्पा को ओपन करवा के, मगर जो फ्लॉप गया। तो क्रिस लिन और नारिन ही हमारे टीम में ओपन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में हम अगर देखें तो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि शुभमन गिल को हम बहुत ही नीचे खिलाते हैं, और हम जानते हैं कि शुभमन गिल अंडर 19 में नंबर 3 पे खेलते हुए आए हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंडर है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर शुभमन गिल को नंबर 3 पे खिला के देखे और वो कुछ अच्छे तरीके से सेट हो पाए और कुछ रन बना पाए तो एक अच्छा सेटअप रहेगा। तो उसके बाद अगर हम देखें, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। रॉबिन उथप्पा, राणा और दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर्स एक साथ बैठ के बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे टीम को। और अब हम बात करते हैं हमारे बोलर्स के बारे में। तो टीम कुरन का स्पेस बन ही जाता है। मिचेल जॉनसन उतना अच्छा परफॉर्म किए हैं नहीं, तो मिचेल जॉनसन को न मिल पाए चांस यही लग रहा है। फास्ट पिचेस अगर आए तो चांसेस है कि मिचेल जॉनसन को थोड़ा चांस दिया जाए। इधर हम देखें तो नागरकोटी जैसे अंडर 19 के जाबाज भी बैठे हुए हैं, जिन्हें शायद फास्ट पिचेस में चांस दिया जाए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट है और वो ईडन में ही है। तो शायद विनिंग कॉम्बिनेशन मेंटेन किया जाएगा और शिवम मावी को ही चांस मिले और हमारा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन भी मेंटेन रहेगा। तो ये है चांसेस, ये है प्रोबेबिलिटीज मेरी तरफ से। मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल को एक चांस देना चाहिए नंबर 3 पे ओपन करने का। आप क्या सोचते हो कि शुभमन गिल को नंबर 3 पे चांस देना चाहिए कि नहीं, और कौन जीत सकता है ये मैच हम देखेंगे। क्रिस गेल और राहुल जैसे ओपनर्स जो ओपन करेंगे ईडन में वर्सेस क्रिस लिन और नारिन, जो बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद हम देखेंगे युवराज सिंह, मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर्स है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही स्ट्रांग मैच है अगर हम देख पाए, और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा क्योंकि उसके बाद हमारे अवे मैचेस चालू हो जाएंगे, एक गैप रहेगा। तो एक विनिंग नोट पे खत्म करके अवे मैचेस को चालू करना बहुत ही स्ट्रांग बात रहेगा। तो ये देखने की बात है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, आप अपने प्रोबेबल 11 भी बना के देख सकते हो, आप बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। तो नेक्स्ट मैच हमारा फिर रहेगा एक गैप के बाद। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और हर मैच, हर केकेआर के मैच के पहले अपलोड हो जाएगा ये वीडियो मेरे चैनल पे। तो आप आ सकोगे और अपना कमेंट दे सकोगे अगर आप केकेआर को सपोर्ट करते हो, और आप बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हो। तो बेस्ट ऑफ लक केकेआर।